प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला राजगढ़ के तत्वावधान में जिला अध्यक्ष तेजेंद्र उपाध्याय और प्रांतीय सचिव राकेश पांडे के नेतृत्व में जिले भर के 1,500 से ज्यादा स्कूल संचालक शिक्षकों के समूह ने जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में 1 घंटे का धरना दिया और अपनी मांगों के लिए मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम EDM को सौंपा। कल जिला संगठन द्वारा जिला स्तर पर स्कूल बंद की घोषणा की गई थी, जिसका पालन समस्त विद्यालय द्वारा किया गया और जिले भर के स्कूल बंद रहे। इस अवसर पर जिला संरक्षक प्रणपाल सिंह खींची, डॉक्टर मुकेश मारू, प्रांतीय सह सचिव कमल आलोक प्रसाद, जिला सचिव ऋषभ नागौरी, महामंत्री राधा रमन पुष्पद, कोर कमेटी सदस्य महेश पुष्पद, लोकेश शर्मा, भवर सिंह सहित सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष सहित 1500 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। RTA की राशि जो जिले में आई हुई थी जून के महीने में आ गई थी, लगभग 5 करोड़ रुपए। उनके प्रपोजल जो है वो बन चुके थे, पर उनका भुगतान जो है वो नहीं किया गया। 18 जुलाई के दिन शासन द्वारा वो राशि वन क्लिक के माध्यम से भुगतान के लिए वापस जिले से मांग ली गई। हमारा भारी विरोध है कि 1 महीने से ज़्यादा समय होने के बाद भी प्रपोजल बने हुए थे, उनका भुगतान क्यों नहीं किया गया। कितने ऐसे आसपास के स्कूल होंगे जिले में? 650 स्कूलों की जांच अभी जो है वो जिलाधीश महोदय द्वारा करवाई गई। 3 दिन का समय दिया गया जिलाधिकारियों को जांच करने के लिए, 3 दिन का समय। 1 महीने से ज्यादा हो गया है, आज भी जांच अधूरी है। कल फिर नया आदेश निकला है, करीब करीब 250 स्कूलों के लिए अधिकारी बदले गए हैं, तो 3 दिन में और सर उसमें डबल सारी मतलब सारे पूरी सर 16 से लेके 23 तक की ढेर सारी पेंडिंग है। 20, 21, 22 ये 3 सत्र की तो लगभग पूरी पूरी पेंडिंग, लगभग 15 करोड़ रुपए। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।